नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन सॉल्यूशन टिप्स और आपके साथ एक बार फिर नया टिप्स लेकर के एमएस परदेसी हाजिर हुआ है। आज मैं चर्चा करूंगा कि हम लोगों का यह जो मौसम है, जो प्रदूषण है, एटमॉस्फेयर में जो प्रदूषण भरी हुई है, उससे हमारे चेहरे के ऊपर में क्या होता है और हम मार्केट से क्या अपने चेहरे पे यूज करते हैं, कौन सा फेस वॉश हम यूज करते हैं, आज उसके बारे में थोड़ा सा हम टिप्स देना चाहेंगे। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे आपको कि इस मौसम में कौन सा फेस वॉश यूज करना चाहिए और अब बाजार से जो फेस वॉश आप ले रहे हैं वो फेस वॉश में क्या साइड इफेक्ट आपको हो रहा है। तो आइए हम चलते हैं इस मार्केट में जहां से हम एक फेस वॉश लेंगे, जॉनसन एंड जॉनसन का क्लीन एंड क्लियर। डेमो के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इसको, और दूसरा हम लेंगे मोदी केयर इंडिया का नीम गोट कुला फेस वॉश। तो दोनों का आज हम डेमो करेंगे और देखेंगे कि मार्केट में जो सामान मिल रही है वो सामान आपके फेस के लिए, आपके चेहरे के लिए कितना अच्छा और खराब हो सकता है। क्योंकि अभी इस जमाने में इतनी सारी फेस वॉश मार्केट में आ चुकी है कि आप नहीं सोच सकते, सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि आपके लिए सूटेबल कौन होगा और बढ़िया कौन सा होगा जो मैं यूज करूंगा। तो आइए हम डेमो दिखाते हैं क्लीन एंड क्लियर और नीम गुड कुला फेस वॉश का। अब हम इसको थोड़ा सा मिलाते हैं, क्योंकि नमक को पानी में और ये जो फेस वॉश है ये तीनों को हम मिलाते हैं। हम मान लेते हैं एक बार कि ये हम फेस पे मिला रहे हैं। तो ये है नीम गोट कुला और फेस वॉश, और ये है जॉनसन एंड जॉनसन का क्लीन एंड क्लियर। आपने देखा कि दोनों को हमने मिलाया और एक में पानी बिल्कुल सफेद और नमक बिल्कुल घुल चुकी है, यानी फेस पे बिल्कुल ये हमारा समावेश हो चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है। लेकिन ये क्लीन एंड क्लियर का एक तो कलर डिसकलर हो चुका है, गंदा हो चुका है। तो आप ही डिसाइड करें कि फेस वॉश मतलब ये कि हमारे चेहरे को हम धोते हैं, साफ करते हैं, लेकिन सबसे पहला उदाहरण ये है कि ये फेस वॉश नहीं हुआ। अगर आप इसको देसी भाषा में समझे तो ये फेस फास हो चुका है। लेकिन ये आपके सामने में है नीड इन क्लीन, यानी नमक मिल चुकी है इसमें, पानी में मिल चुकी है, मतलब आपके फेस में ये समावेश हो चुकी है, मिक्स हो चुकी है, लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं दिख रहा है। मैं थोड़ा सा घुमा के दिखा दूं आपको कि इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन दोस्त, ये पानी भी गंदा हो चुका है और इसका कुछ साइड इफेक्ट्स नीचे में हमें दिख रहा है। आपको भी मैं दिखाने का कोशिश करता हूं, क्योंकि इस पानी को मैं अब इसमें थोड़ा सा मिला के देखता हूं और इसके नीचे देखता हूं कि क्या जमा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या जमा हुआ है, आप दोनों तरह से देख सकते हैं। तो हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि इसमें जमा हुआ क्या है वो निकालने का कोशिश करते हैं। दोस्त, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सिंथेटिक प्लास्टिक के जैसा एक लेप है, जो हमारे चेहरे पे एक लेप बनता है, और लेप बनने के बाद हमारे चेहरे पे ऐसा महसूस होता है कि ये पूरा का पूरा चिकना कर दिया है और चेहरा को टाइट कर देता है थोड़ा सा, और हमें ऐसा लुक मिलता है बाहर से कि हमारा चेहरा चमक रहा है, हमारा फेस चमकीला हो रहा है। लेकिन वास्तविक रूप ये है दोस्त कि ये लेयर ऊपर से बना देता है जो बिल्कुल सिंथेटिक है। अब आप समझ सकते हैं कि आपके चेहरे पे जो लेयर बनी हुई है वो लेयर प्लास्टिक का है, और प्लास्टिक पूरा आपके चेहरे का छिद्र को, जो उसमें उसका जो छिद्र होता है उसको बंद कर दिया जाता है, जिससे अंदर का जो भी चीज है वो बाहर नहीं निकल पाती है। इसके वजह से हमारे चेहरे में अंदर से टॉक्सिन भर जाता है, क्योंकि ये प्लास्टिक सा बन जाता है, ऊपर से लेयर बनता है तो टॉक्सिन उसमें भर जाता है, जिसके वजह से पिंपल्स वगैरह का पूरा डिजीज आपके सामने में होता है। ये हमें
पहले जानना होगा कि हमको कौन सा फेस वॉश यूज करना है, कौन सा नहीं करना है। तो दोस्त आइए, मोदी केयर में आपका स्वागत है और मोदी केयर का प्रोडक्ट नीम एंड गोटकुला आपके सामने में है। एक बार जरूर यूज करेंगे और इसको देखेंगे आपके फेस पे लगा करके कि आपके लिए कितना फायदेमंद है। और ये आपका ब्रांडेड जो फेस वॉश था क्लीन एंड क्लियर, इसका रिजल्ट आपके सामने में है। तो आइए, हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। आगे भी हम नया नया टिप्स आपके लिए लाएंगे और आपके साथ हम बने रहेंगे। नमस्कार।